Hello friends, subscribe the Purab Tech channel and press the bell icon for getting the technical news and update. Hello दोस्तों, मेरा नाम पूरब है और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं Lenovo के K8 Plus मोबाइल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, Lenovo का K8 Plus ये मोबाइल इंडिया में मिल रहा है। इसके पहले Lenovo ने निकाला था Lenovo का K8 जो अराउंड हमें 15,000 रुपए के प्राइस में मिल रहा था। इसकी प्राइस अराउंड होने वाली है 17,000 रुपये। मगर अगर स्पेसिफिकेशन की बात करें तो ये Lenovo K8 से काफ़ी बढ़िया है। तो चलिए देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या स्पेसिफिकेशन है। सबसे अच्छी बात अगर देखी जाए तो इसके अंदर Lenovo K8 से थोड़े से अच्छे स्पेसिफिकेशंस हैं। तो पहले सिंपल स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात कर लेते हैं। इसके अंदर 5.5 इंच की स्क्रीन साइज दी गई है, फुल HD रिजोल्यूशन दिया गया है, 16 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है जिसके अंदर हम HD रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, 3 GB का रैम दिया गया है, मीडिया टेक का सेम हेलियोस P25 जो हाई एंड प्रोसेसर है, जो थोड़ा सा इम्प्रूव्ड प्रोसेसर है, जो 10 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पे चलता है, वो प्रोसेसर इसके अंदर दिया गया है। तो Lenovo K8 से थोड़ा सा अच्छा प्रोसेसर इसके अंदर दिया गया है। 3 GB का रैम दिया गया है, 4000 mAh की बैटरी इसके अंदर दी गई है, 4G LTE सपोर्टेड है, इसके अंदर जियो सिम और एयरटेल के सिम्स दोनों भी चलेंगे, डुअल सिम सपोर्टेड है, LCD IPS कैपेसिटी टच स्क्रीन इसके अंदर दी गई है, एंड्रॉयड आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉयड 7.1.1 ये आपको इस मोबाइल के अंदर मिलेगा, ऑक्टा कोर प्रोसेसर है 2.6 GHz का, कॉर्टेक्स A53 माली का 880 प्रोसेसर जो हाई एंड GPU है वो इसके अंदर मिल रहा है हमें। तो स्पेसिफिकेशन वाइज प्रोसेसर और जो ग्राफिक कार्ड है GPU जो है ये इसके अंदर इम्प्रूव किया गया है इन टर्म्स ऑफ Lenovo का K8 जो था, इससे ये दो चीज़ें काफ़ी बढ़िया है। सेम अगेन हमें 32 GB की इंटरनल मेमोरी मिल रही है, 4 GB के इसके अंदर रैम का वेरिएंट भी आ रहा है, दो वेरिएंट में ये मोबाइल मिल रहा है, एक तो 3 GB और एक 4 GB वेरिएंट में। इसके अलावा हमें इसके अंदर फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है जो हमें पीछे की तरफ मिलता है, एक्सेलेरोमीटर सेंसर है, जायरोस्कोप है, कंपास, ये सारे बेसिक सेंसर इसके अंदर दिए गए हैं। Lenovo ने इस मोबाइल को भी फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दिया गया है और जो 4000 mAh की बैटरी दी गई है ये रिमूवेबल है। मेरे ख्याल से Lenovo K8 से ये थोड़ा सा बढ़िया और अच्छा स्पेसिफिकेशन का फ़ोन है। तो अगर आप पूछना चाहेंगे कि आपको कौन सा मोबाइल लेना है, Lenovo K8 या Lenovo K8 Note प्लस, तो ये जो प्लस फ़ोन है Lenovo का K8 प्लस ये मैं रेकमेंड करना चाहूँगा क्योंकि इसके अंदर बढ़िया प्रोसेसर और बढ़िया GPU दिया गया है। इन टर्म्स ऑफ अगर आप गेमिंग करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से ये काफ़ी बढ़िया मोबाइल है। अगर आप अगर उसको हेवी यूजेस करते हैं तो मेरे ख्याल से आपको जाना चाहिए Lenovo का K8 प्लस की तरफ। अगर आप मेडिएटर यूज़ करते हैं, ज़्यादा यूज़ नहीं करते मोबाइल का, सिर्फ फ़ोन और कॉलिंग के लिए यूज़ करते हैं, फेसबुक या ब्राउजिंग या यूट्यूब के कुछ वीडियोज़ वगैरह देखने के लिए, तो आप जा सकते हैं Lenovo का K8 जो है ओल्डर वर्जन। उसकी प्राइस भी अभी थोड़ी सी कम हो चुकी है और थोड़ा सा सेल प्राइस में मिल रहा है, तो उसकी तरफ आप जा सकते हैं। तो ये था मेरा वीडियो रिव्यू। आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, लाइक कीजिए या डिसलाइक कीजिए आपको ये वीडियो अगर अच्छा नहीं लगा है तो। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।